चैनल गार्डन फॉर टेल्स। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, तो मैं ये मेरा सेकेंड ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग दिसंबर 31, 2021 को निकले, तो जैसे ये है चोमू गांव, ये जयपुर से 45 किलोमीटर से और दिल्ली से ये हमको 200 किलोमीटर दिखा रहा था। तो जैसे ये है पूरा गांव, आप देख रहे हैं गांव के अंदर जो पूरा हवेली है, ये 400 साल पुराना हवेली है, सामोड पैलेस। और जो आपको जो दो दिन का जो ये ट्रिप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये जो राजपूताना रॉयलिटी है ना, ये इसी पैलेस में आपको पूरा मिलेगा। लेकिन हम लोगों को जैसे इसका जो कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा है, और ये न्यू ईयर के वजह से हम लोगों को बुकिंग भी नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पर और एक पैलेस है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है सामोड पैलेस से, वो है महाराजा पैलेस। और उसका जो स्टेइंग था और जो उसका होटल, वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं महाराजा पैलेस का उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा था वो होटल और उसका जो देसी स्टाइल, बहुत मुझे अच्छा लगा। हम लोग ये आ गए महाराजा पैलेस। हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये अभी 5:15 हुआ है, तो अभी हम पहुँच रहे हैं महाराजा पैलेस में। ये हमारा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था कि महाराजा पैलेस भी इतना अच्छा लग रहा है। जैसे देखिए पूरा इसका जो आर्किटेक्ट और इसका जो खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो हम लोग जैसे अंदर आए, ये देखिए ये बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आए हैं, जैसे सलमान खान, बॉबी देओल, बहुत सारे हैं यहाँ पर। और ये जैसे बोल रहे हैं, ओनर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे करण अर्जुन भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था, और बहुत सारे पिक्चर भी यहाँ पर शूटिंग हुए हैं। और सच में ये भी एक बहुत ही अच्छा पैलेस है, और स्टेइंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका। तो हम लोग आज तो शाम हो गया है, तो हम लोग अभी तो बाहर ज़्यादा घूम नहीं पा रहे हैं। तो जैसे यहाँ जो बॉनफायर भी हो रहा है, तो यहाँ पर वो लोग अरेंज किए हैं। और देखिए जैसे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आप 10-15 लोग ही हैं यहाँ पर। और वो पूरा इनका जो किचन बहुत ही हाइजीनिक है, और इनका डाइनिंग, ये सारा मैं देख चुकी हूँ घूम के। सुबह सुबह उठ के यहाँ पर जो पूरा पहाड़ी से पूरा सनराइज हो रहा है। हम 10 बजे निकले यहाँ से सामोड पैलेस के लिए। तो मुझे सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जगह है, आप भी आइए और एंजॉय कीजिए ये महाराजा पैलेस को। और ये हैं पुलकित जी, और थैंक यू पुलकित जी, इनका सर्विस भी बहुत ही अच्छा था। तो फिर अभी हम निकल रहे हैं महाराजा पैलेस से, सामोड पैलेस। और ये पुलकित जी यहाँ से बोल रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर ही है, तो ये हम निकल गए 10 बजे। तो हम ये गांव के अंदर अंदर से ही जा रहे हैं, और ये पूरा आरावली माउंटेन जो दिख रहे हैं आप, वहाँ देखिए कितना अच्छा कैक्टस, सब सारे कैक्टस से भरे हुए हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं सामोड पैलेस। तो ओ ये आ रहा है सामोड पैलेस, उसका गेट है। ये गांव के अंदर ना 400 साल पुराना हवेली है, और ये इतनी सुंदर है, आपको पूरा जो राजपूताना रॉयलिटी आपको यहां पर ही मिलेगा। और यहां खूब सारे ढेर सारे पिक्चर भी यहां पर बने हैं। ये हम लोग आ गए सामोड पैलेस के अंदर, और यहाँ पार्किंग के पास ही एक पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। ये रहा इसका 373 स्टेप्स है यहाँ से, और ये दूसरी तरफ इसके सामने ही सामोड पैलेस का एंट्री गेट दिख रहा है। और यहाँ एंट्री फी 1000 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। तो हमारा हो गया है टिकट, तो हम चल रहे हैं अंदर। और ये देखिए ये जो रॉयलिटी, राजपूताना रॉयलिटी बोलते हैं तो इसी को,
वाओ, इस अमेजिंग व्यू और ये पूरा कोर्टयार्ड, ये 3 कोर्टयार्ड का पूरा पैलेस है और ये एक एक कोर्टयार्ड में आपको दिखाती हूँ। और ये जो फाइनली हम लोग अंदर जा रहे हैं, इसका देखिए कितना भव्य सुंदर है ये पैलेस, ब्यूटीफुल सच में। आप आके आप देखेंगे, हम लोग बहुत सारे पैलेस देखे हैं, जयपुर में भी बहुत सारे फोर्ट और पैलेस हैं, लेकिन इसका जो खूबसूरती एक अलग है। और ये जो मिरर सारे फिटिंग्स इसके अंदर भी हुए हैं, और ये जो पेंटिंग सारे, एक एक पेंटिंग में एक एक कला और एक एक स्टोरी वो सारे एक पेंटिंग में दिखाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो वेजिटेबल पेंटिंग बोलते हैं, ये सारे भी बहुत सारे यहाँ पर हैं। और यहाँ जो सारे बहुत पुराने जो बक्से, पुराने जो कलेक्शन सारे हैं, जो एंटिक पीस के कलेक्शन भी बहुत अच्छा यहाँ पर है। और यहाँ का जो रेस्टोरेंट और यहाँ का जो फूड और बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ जो सारे जो स्टाफ भी है, वेरी अटेंटिव है और अच्छे हैं, जो पूरा सर्विस इनका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप भी ज़रूर आइए सच में, अगर आपको रॉयलिटी सर्विस चाहिए और जो फीलिंग्स चाहिए, तो आप ये सामोट पैलेस में आपको मिलेगा। और यहाँ जो आप विंटेज कार वगैरह बहुत अच्छे आपको मिलेंगे और देखने के लिए। और यहाँ का एक बागान भी है, सामोट पैलेस बागान, वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत पेड़ और फूल सारे हैं, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो आर्किटेक्चरल लुक है इसका, और ये कोर्टयार्ड जैसा लुक, और 3 कोर्टयार्ड में एक बड़ा सा लिफ्ट भी है, आप ऊपर जाके पूरा व्यू ले सकते हैं, माउंटेन का व्यू। और ये जो आरावली माउंटेन इसके चारों तरफ है, वो एक देखने का अलग ही वो शानदार दिखता है, और उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा था सामोट पैलेस और महाराजा पैलेस का जो स्टेइंग हमारा, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए इसको, आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन वीकेंड के डेज में भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से आराम से घूम के और एक रिलैक्स टाइम स्पेंड करके जा सकते हैं। मेरे तो नए साल फ्रेंड्स ऐसे ही एक रॉयल ट्रैवल से ही शुरू हुआ है। और आप लोग नए साल में क्या कर रहे हैं, कौन सी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़रूर बताइए, मेरे इंस्टा पोस्ट में पोस्ट कीजिए, अलका गार्डन फॉर टेल्स। और ये नए साल के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोगों को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कुछ अनयूजुअल जगह और प्लांट्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी, दिखाऊंगी। और तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।